देख रहे हैं इस समय इस रोड की स्थिति क्या है। यहाँ ठेकेदार से पूछने के बाद में ठेकेदार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, और किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, कैसे भेदभाव किया जा रहा है, आप ये देख सकते हैं कि इधर कम से कम 200 लोग रहते हैं और ये लोग का मुख्य रास्ता यही है, इसी रास्ते से आते हैं जाते हैं। यहाँ पे एक पिलर टुकड़ा गिरा दिया गया है और इस टुकड़ा गिराने के वजह से जो है क्या कि कुछ लोग यहाँ आराम से जाते हैं और आते हैं, नहीं तो इसके पहले यहाँ पे 1.5 फीट 2 फीट गड्ढा था और इस गड्ढे की वजह से यहाँ पे कितने बच्चे इस नहर में गिर जाते थे और इस नहर में गिरने की वजह से कभी उनका हाथ टूट जाता था तो कभी उनका सर फट जाता था। आप देख सकते हैं ये बाइक भी आ रहा है इधर से और ये किस परिस्थिति में एकदम किनारे से होकर ये बाइक निकला है। अगर ये बाइक थोड़ी सी अगर अनबैलेंस होती तो सीधे नहर में जाके, लेकिन यहाँ वार्ड पार्षद जो पूर्व के वार्ड पार्षद हैं अभी उनकी पावर को सीज कर दिया गया है, उनको बार बार कहने पर भी कि भाई कम से कम इस रास्ते में आप 1-2 टेलर आविष गिरवा दीजिए जिससे कि यहाँ के लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो, तो वो अपने भेदभाव की वजह से यहाँ पे राविश गिरवाने में असमर्थ है और ठेकेदार के द्वारा बार बार पूछे जाने पर ठेकेदार के द्वारा आश्वासन मिल रहा है कि 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन के अंदर में हम काम चालू करवा देंगे। कभी बालू का बहाना बनाते हैं तो कभी राविश का बहाना बनाते हैं तो कभी छड़ी का बहाना बनाते हैं कि अभी बालू बंद है इस वजह से जो है क्या कि नहीं गिर रहा है। आप देख लीजिए इस रोड की परिस्थिति और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों की परिस्थिति कितनी मुश्किल है और कितनी मुश्किल में इधर के लोग जो है जी रहे हैं और कैसे इधर रात में जो है कि अंधेरे के में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नहर है, नहर के किनारे बहुत सारे घास फूस हैं और यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बचेंगे कि इस रोड में इन लोगों की क्या स्थिति है, आने जाने में परेशानी है कि नहीं है। सर आपका क्या नाम है? विकराज। बताइए कि इस रोड में परेशानी आप लोग को है कि नहीं? बहुत दिक्कत है आने जाने में। क्या परेशानी? बहुत दिक्कत है। क्या परेशानी है? चला जाता है, बुझाता है, नहर में चला जाएंगे लोग, नहर में गिर जाते हैं, गिर जाते हैं लोग। कोई घटना भी हुआ है? जाते हैं लोग, बहुत घटना हो जाता है, बहुत बनेगा। ये जो रोड है इधर कितने लोगों का बसिंदा है? इधर से कितने लोग इधर से मार्केट की तरफ? बहुत आदमी है, बहुत आदमी है, बहुत सारे लोग इधर से आते हैं और यही मुख्य रोड है ना? हाँ यही है। मार्केट में जाने के लिए कौन सा मुख्य रोड है? यही है, यही रोड है और इसी रोड से आप लोग आते जाते हैं? यही रोड से आते जाते हैं। तो क्या मांग करते हैं आप यहाँ नगर परिषद और यहाँ के जो है की कोई नहीं सुनता है? अधिकारी सुनता है? क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग करते हैं रोड बनवाने के लिए, कोई बोलता है आएंगे तो करवाएंगे, खाली बोलता है कराएगा वो कराएगा। आपने वार्ड कमिश्नर को बोला है कभी? बहुत लोग बोला है। सर के लिए क्या आपको मिला है, कोई कभी मैसेज मिला है? खाली बोलता है लोग बन जाएगा 2 साल 2 महीना 3 महीना खाली बोलता है लोग। वार्ड कमिश्नर द्वारा बोला जाता है 2 महीना 3 महीना। हाँ। देखिए और भी यहाँ पे और भी लोग हैं। आप इसी रोड के हैं, इसी रास्ते के हैं? हाँ। यही आपका घर है? हाँ। आप बताइए इस रोड से आप लोग को आने जाने में परेशानी है? परेशानी है। कितना परेशानी है? पानी में तो। और अच्छा ये जो यहाँ पे ये जो गिरा हुआ है इससे आप लोग को कुछ राहत है कि आप लोग को? राहत है, राहत है। नहीं तो पहले यहाँ पे किस तरह की परिस्थिति थी? पैर भी बिछल गया था। अच्छा आपका पैर भी बिछल गया था, चोट भी लगा था? क्या नाम हुआ? किशोर। और भी देखिए यहाँ पे और भी हमारे साथ युवा है जो इसी वार्ड के हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि भाई इस रास्ते में इन लोगों को आने जाने में क्या परेशानी है और क्या दिक्कत है। सर क्या नाम हुआ आपका? उधर तक के थोड़ा कैमरा की तरफ बोलिए आप कि आपको इधर आने जाने में कोई परेशानी होता है कि नहीं होता? बहुत परेशानी। क्या परेशानी होता है थोड़ा सा खुल के बोलिए। परेशानी मोटरसाइकिल आने में दिक्कत होता है, गाड़ी गिर जाता है और रात बिरात आती है पानी लग जाता है यहाँ पे, रात बिरात कोई रोड भी छिल जाता है, नाली में गिर जाता है, पानी में सब गंदा हो जाता है, कपड़ा। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग क्या कर रहे हैं आप बताइए? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं यहाँ नगर परिषद से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं यही कि जो वार्ड कमीशन है यहाँ का वो बढ़िया से पूरा बना दे रोड का, जितना पाकी लगे यहाँ से लेके। अच्छा ये रोड पास है ना? ये रोड पास है? रोड पास है बोला है तो सब की पास हो गया, पास हो गया है, लेकिन इसको अब तक जो है कि काम नहीं कराया जा रहा है, तो इसमें किसकी कमी है? वार्ड कमिश्नर की कमी है या ठेकेदार के द्वारा कमी है या प्रशासन नगर प्रशासन की कमी है? वार्ड कमिश्नर अगर चाहेगा तो बन जाएगा। वार्ड कमिश्नर नहीं चाह रहा है कि ये रोड बने, इसलिए जो है कि ये रोड नहीं बन पा रहा है और आप लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख रहे हैं इस समय न्यूज़ 9 टाइम और मैं हूँ रंजीत गुप्ता और इसी के साथ जो है कि हम आपको इस नगर परिषद से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को कम से कम बना दिया जाए ताकि यहाँ के आने जाने वाले लोगों में परेशानी नहीं हो और कोई
दिक्कत नहीं हो और कोई गिरे नहीं, जिसके वजह से कोई इन लोगों को